प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के 23 दिन बाद भी 5 लाख के इनामी शूटर फरार है। वहीं बीएसपी मुखिया मायावती ने इस केस में फरार चल रही माफिया आतिक अहमद की पत्नी साजिदा परवीन को अपने भतीजे आकाश आनंद की शादी करने उत्तर भिजवाया है। साजिदा परवीन का कार्ड प्रयागराज के पदाधिकारियों के पास पहुंचा है। आकाश आनंद की शादी 26 मार्च को गुड़गांव के MBS आइसलैंड में होगी। पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा के साथ भतीजे आकाश आनंद की शादी होगी। शादी में 3000 से ज़्यादा मेहमानों को बुलाया गया है। मायावती द्वारा तैयार की गई सूची में प्रयागराज मंडल से 49 लोगों के नाम हैं। इनमें पार्टी के बड़े पदाधिकारी, पुराने और करीबी नेता, बामसीप के सदस्य और कुछ अन्य लोग शामिल हैं। बीजेपी के कई पूर्व सांसदों विधायकों का नाम गायब। कई पूर्व सांसद व विधायकों का नाम भी इस लिस्ट में नहीं है। नामजद और फरार होने के बावजूद साजिदा परवीन को मायावती द्वारा भतीजे की शादी का कार्ड भिजवाना कई सवाल खड़े करता है। नामों की यह सूची उमेश पाल शूटआउट केस के 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त बीतने के बाद तैयार कराई गई है। सूत्रों के मुताबिक मायावती इस हफ्ते जब 3 दिनों के लिए लखनऊ आई थी तो यही उन्होंने मंडल वाइज कार्ड बांटने की लिस्ट तैयार कराई थी। अतीक की फरार पत्नी साजिदा परवीन को शादी का कार्ड भिजवाए जाने से बीएसपी के पदाधिकारी भी हैरान हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि जिस घर में साजिदा परवीन रहती थी उस पर बुलडोजर चल चुका है। साजिदा समेत परिवार के सभी लोग या तो फरार हैं या कस्टडी में हैं। ऐसे में वह कार्ड उन तक कैसे पहुँचाएँ? पदाधिकारियों का कहना है कि साजिदा परवीन का कार्ड अब उनकी ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए मायावती ने साजिदा परवीन को शादी का कार्ड भेजा है। उन्हें पता है कि साजिदा पुलिस से भागती फिर रही हैं और वह शादी समारोह में नहीं आ सकती। इसके बावजूद कार्ड भिजवाया जाना सिर्फ सियासी संदेश देने के लिए है। साजिदा और उनके परिवार के बहाने मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश है। इसमें कानपुर मंडल से 66 लोग शामिल होंगे। तो खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या ये सही है कि अतीक अहमद की फरार पत्नी को बीएसपी चीफ मायावती ने भतीजे की शादी का कार्ड भेजा है, जिसकी वजह से पार्टी नेता हैरान है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है? कमेंट सेक्शन में साझा करिएगा।